ये हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं, जब तक ये नीति किसान मजदूर के पक्ष में नहीं बनाएंगे, कल भी ठगा, आज भी ठगे, कल भी ठगे जाएंगे। इसलिए ठग को बाहर करना होगा सत्ता से, तभी आबाद हो सकता है किसान मजदूर। नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादक किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल दिल्ली में एक मजदूर किसान संघर्ष रैली होने वाली, जिसको किसान मजदूर संगठनों का दावा है ये ऐतिहासिक होगी। ये किसान सभा खेत मजदूर यूनियन और CITU की तरफ से ज्वाइंट कॉल है, जिसमें अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं और हिमाचल से भी बड़ी संख्या में किसान मजदूरों के पहुंचने की उम्मीद है। तो कैसी तैयारी है वहां पे, उन सारे विषयों पे बात करने के लिए, वहां क्या सवालों पे बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल के किसान नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा साहब। आज किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो आज का प्रदर्शन है ये है, जो सेब उत्पादक है, चाहे जम्मू कश्मीर का हो या हिमाचल प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो, आज बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। और पीड़ा का मुख्य कारण क्या है? पीड़ा का मुख्य कारण है, जो पिछले कुछ समय में, खास तौर पर 1991 के बाद जो सरकारों ने अपना हाथ पीछे खींचा है कैसे निवेश करने से, उस समय से संकट बड़ा है। और आप जानते हैं, पूरी देश की किसानियां संकट के दौर से गुजर रही है, और इसीलिए सेब उत्पादक उस संकट से छूटा नहीं रह सकता है। इसीलिए हम दिल्ली आए हैं इस मांग के साथ कि जो पैदावार हम करते हैं, हम अपना परिवार को जिंदा रखना है, रोजगार मिलता नहीं है, हम खेत के साथ जूझते हैं, इसलिए आप नीति हमारे पक्ष में बनाएं, जो देश के कानून है उनको लागू करें। और सबसे बड़ी बात है, जब तक जमीन से जो पैदावार है उसका दाम निर्धारित नहीं होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा, नियम क्या होगा, उसका नियम होगा जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूले के आधार पर लागत प्लस 50% प्रॉफिट जब तक नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ खेती को या सेब को संकट से बाहर नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हम आज दिल्ली आए हैं भारत सरकार को चेताने के लिए कि हम भी इस देश के निवासी हैं, ये देश के अंदर एक जमीन का टुकड़ा हमारा भी होना चाहिए, लेकिन आप सब कुछ अडानी और अबानी के हवाले करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और इसलिए ये प्रदर्शन चल रहा है। कल देश भर में एक माहौल है, जो दिल्ली में बड़ी रैली होने जा रही है, किसान मजदूर संघर्ष रैली, उसमें अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं। हिमाचल से आप लोगों की कैसी तैयारी है, क्योंकि आज तो सिर्फ सेब उत्पादक आया है, कल बाकी तबके के किसान और मजदूर भी आएंगे, तो उसको लेके आप लोगों की कैसी तैयारियां हैं? हजारों की संख्या में आने वाला है, हमारा राज्य छोटा है, पहाड़ी इलाका है, हिमालय की गोद में है, लेकिन आप कल देख लेना दिल्ली की सड़कों में वो पहाड़ फाड़ने वाला, अपने दुखड़े को सुनाने कल आने वाला है, बढ़ चढ़ के आने वाला है। खेत मजदूर में हमारा काम कम है, लेकिन जो CITU अलग अलग हिस्सों को जो संगठित करता है, स्कीम वर्कर को करता है, हाइडल वर्कर को करता है, और जो मनरेगा में काम करने वाला मजदूर करता है, हजारों हजार की संख्या में कल आने वाला है, और उसके साथ किसान भी आने वाला है। और यही मांग नहीं है, मांग ये भी है कि भारत सरकार बेईमानों की सरकार है, ये जो भारत सरकार है ये अडानी अंबानी की सेवा करने वाली सरकार है, और इसलिए अब ये वक्त आ गया है, इस सरकार को जाना है। अगर इस सरकार को नहीं भेजेंगे, कल भी ठगा, आज भी ठगे, कल भी ठगे जाएंगे। इसलिए ठग को बाहर करना होगा सत्ता से, तभी आबाद हो सकता है किसान मजदूर, ऐसा हमारा मानना है। हम जूझ रहे हैं वहाँ जिंदा रहने के लिए, लेकिन उसका क्या फायदा, जब तक ये हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं, जब तक ये नीति किसान मजदूर के पक्ष में नहीं बनाएंगे। आप जानते हैं,
एक साल से अधिक किसान लड़ा, तीन कृषि कानूनों को बड़ी मुश्किल से वापस लिया, नहीं तो आज अगर वो कानून वापस नहीं होते किसान के खेत खलिहान सारे के सारे अदानी और अबानी के बरादरी को चले जाते। आज आप जानते हैं जो दुनिया के कानून थे जिसके जरिए पूंजी और श्रम को नियंत्रण किया जाता था, सारा समाप्त कर दिया है, कोई कानून नहीं छोड़ा है और बड़े पूंजी के मालिक को खुली छूट दे दी है, लूटो खुल के लूटो। कल हिमाचल प्रदेश का किसान मजदूर जो आएगा अपनी आवाज देश के किसानों के साथ, देश के मजदूरों के साथ कट्ठा मिलाकर एकता को कायम कर कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर बंगाल के तट तक सब किसान मजदूर को इकट्ठा कर कर वचन लेने वाले हैं कि जब तक ये सरकार जाएगी नहीं तो हम सांस तब तक हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ये इस संदेश के साथ कल हम आने वाले हैं। देश भर में किसान आ रहे हैं, 30 पॉइंट चार्टर है जिसको लेकर आ रहे हैं, अलग अलग समस्या अलग अलग राज्यों में, हिमाचल में स्पेशल मेहनत का सवाम के साथ किस तरह की मांगे हैं जिसको आप उठाना चाहते हैं या उठा रहे हैं? देखिए, जो भी पहाड़ी इलाका है उसकी अलग किस्म की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से पैदा होती है। हमारा तो पूरा जो प्रदेश है उसमें 10% भूमि है जिस पर खेती होती है, 70% भूमि है जिस पर जंगल है और अगर 1 इंच भी किसान अपने खेत से बाहर चले जाए तो वन विभाग उसकी बेदखली करने के लिए आ जाता है। यही नहीं, 5 साल झेला है हमने, हमारा जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उस पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, कोई कार्य नहीं हो रहे थे। वो जो निजी कार्य होते हैं उसको तो छोड़ो, जो सार्वजनिक कार्य फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत 13 कार्य होते थे उस पर भी ग्रहण लगा है, बड़ी मुश्किल से उसको उस ग्रहण को दूर किया गया है। तो ये अलग किस्म की समस्या है। और समस्या क्या है, पहाड़ में जब आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती रहती है, इसलिए ज्यादा कठिन परिस्थिति में मजदूर कार्य करता है, किसान कार्य करता है, उसका भी पूंजी के मालिक को ख्याल रखना चाहिए। जब न्यूनतम वेतन निर्धारित होता है तो तब वो ख्याल रखना चाहिए। पूरे देश के अंदर महंगाई की सूचकांक के साथ न्यूनतम वेतन जोड़ा गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज महंगाई के सूचकांक के साथ न्यूनतम वेतन जोड़ा है। इस तरीके से अलग किस्म की समस्या है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो श्रमिक है, जो दफ्तरों में काम करता है, पिछले दिनों में बड़ा आंदोलन लड़ा और जो नव उदारवाद से पैदा न्यू पेंशन स्कीम थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सरकारों को मजबूर किया, राजनीतिक भूस्वामी पार्टियों को मजबूर किया कि इस पर अपना निर्णय दे। और अगर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई है उसका कारण यह है कि वहां पर जनता का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम नहीं किया जा सका, पहाड़ और मैदानी के बीच में नहीं किया जा सका, एक नस्ल और दूसरी नस्ल के बीच में नहीं किया जा सका, जनता का मुद्दा अहम बना और देश के अंदर भी मिसाल दिखा दिए है हिमाचल प्रदेश की जनता ने कि चुनाव मांगों पर जो बुनियादी समस्या लोगों की है वो उसके आधार पर क्या कहते हैं वो लड़ा जाए, ना कि जो ये ऐसी बातें हैं जिसे एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जाता है और खास तौर पर मोदी सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर देश की जनता को बांटने का काम करती है। हिमाचल की जनता ने बता दिया कि इस पर बंटवारा नहीं होगा, लेकिन आवाम को जोड़कर जन मुद्दों के ऊपर संघर्षों के आधार पर एजेंडा देश के अंदर सेट किया जाएगा। आखिरी में सर, जैसे उद्योग भी है हिमाचल में अलग तरीके के, वहाँ हम देखा सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का पीछे या लोडर अनलोडर का आंदोलन चल रहा था, वो मजदूरों के सवाल किस तरह के, औद्योगिक मजदूरों के किस तरह के सवाल है हिमाचल में पहाड़ी राज्य होने के नाते? देखिए, उद्योग हिमाचल प्रदेश में लेट आया, धीरे से आया, कम आया। हाँ, पानी की वजह से हाइडल प्रोजेक्ट हो गया, सीमेंट का पत्थर होने से सीमेंट के कारखाने खुल गए,
लेकिन आप ख्याल करें, ये जो छोटे छोटे उद्योग थे, बड़ा मगरमच्छ उस पर कब्जा कर रहा है। और अडानी ने पिछले दिनों में 1 करोड़ से अधिक के 2 ACC और अंबुजा सीमेंट प्लांट खरीद दिए और वहां छंटनी कर दी। उनका मकसद क्या है? जितना बड़ा पूंजी का मालिक होगा, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे जर्मनी के अंदर हो, चाहे हमारे देश के अंदर हो, वो सीधी पाइप मजदूर के पेट में लगाकर और दूसरा हिस्सा उसका अपनी तिजोरी में डालकर सारा खून चूसकर अपनी तिजोरी में डालता है और कम से कम मजदूर से ज्यादा काम लेना चाहता है। और यही हो रहा है कि जैसे जैसे बड़े उद्योग कब्जा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो किसान की पीड़ा भी बढ़ रही है और मजदूर की भी पीड़ा बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टर की भी पीड़ा बढ़ रही है। वो ट्रांसपोर्टर भी छूटा नहीं है। आज का ट्रांसपोर्टर कौन है? बड़ा घराना नहीं है जिसकी भूमि चले गई थी सीमेंट प्लांट में, उसने 1 ट्रक डाला 2 ट्रक डाला, ये है ट्रांसपोर्टर। इक्का दुक्का हो गए जिससे ज्यादा ट्रक होंगे, लेकिन अधिकतर हमारे ट्रांसपोर्टर वो है जो जमीन से उजड़े थे। उन्होंने अपने जीवन यापन को चलाने के लिए पहले खेती करते थे, अब वो ट्रांसपोर्टर करते हैं, उसकी पीड़ा बड़ी है। इस रैली का देश के लिए क्या संदेश होने वाला है? कल का जो संघर्ष रैली है उसका देश के आवाम के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, आप मेरी बात से सहमत हो चाहे नहीं हो, ये आवाज उठ गई चारों तरफ से उठ गई। और वो आवाज क्या है कि अगर इन नीतियों को खाड़ना है तो दिल्ली की सरकार को भी खाड़ना होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि नीति उखड़ेगी और सरकार यह रहेगी। ये नीति के साथ इस सरकार को भी उखाड़ना है, और इसलिए चोट उखाड़ने की सरकार पर करो, नीति अपने आप में उखड़ जाएगी। इसलिए मिलजुल कर इसको उखाड़ने का काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये संदेश जाना चाहिए। आपने सुना राकेश सिंघा से जाप्ता, इन्होंने बताया किस तरह हिमाचलों के किसान और मजदूरों की अपनी समस्याएं हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, ये जो कल की संघर्ष रैली है ये सिर्फ नीतियों के बदलाव के लिए नहीं, ये सरकार के बदलाव के लिए भी होगी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।